बीते दो साल में कोरोना महामारी की 5 लहरों का सामना करने वाली दिल्ली में पहली बार जनवरी का महीना सबसे गंभीर बीता है। साल 2020 में जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक पहली बार जनवरी माह में 3.82 लाख लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 758 मरीजों के संक्रमण के चलते मौत हो गई है। हालांकि सबसे अधिक 3.66 लाख रिकवरी भी इसी महीने में हुई है, लेकिन राजधानी की 37,000 से ज्यादा गलियां कंटेनमेंट जोन के चलते सील हुई हैं। वहीं 14,000 से ज्यादा उपचाराधीन मरीज बढ़े हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में कोरोना महामारी की भारत में शुरुआत हुई। दिल्ली में पहला मामला 2 मार्च 2020 को मिला था। अगर जनवरी माह की बात करें तो साल 2021 के जनवरी माह में केवल 9,587 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। इस महीने के 31 दिन में 313 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई थी। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 31 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 के बीच कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 6.25 लाख से बढ़कर 6.34 लाख तक पहुंची थी और इसी दौरान मृतकों की संख्या भी 10,536 से बढ़कर 10,849 दर्ज की गई। इसी तरह साल 2022 की जनवरी माह की बात करें तो 31 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 के बीच कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 14.48 लाख से बढ़कर 18.30 लाख तक पहुंच गई। वहीं इस दौरान संक्रमण से मरने वालों की संख्या 25,107 से बढ़कर 25,865 तक पहुंच गई। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन की संख्या 914 से बढ़कर 38,046 और सक्रिय मरीजों की संख्या 4,410 से बढ़कर 18,729 तक पहुंची है। 31 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच दिल्ली की स्थिति, कुल मामले 3,82,057, कुल रिकवरी 3,66,980, कुल मौतें 758, सक्रिय केस बढ़े हैं 14,318, कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं 37,132। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।